तुम्ही बघत आहात जनमत मराठी। नाशिक शहरातील सारडा सर्कल या ठिकाणी असलेले दारूचे दुकान बंद करावी या मागणीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले। सारडा सर्कल या भागात शैक्षणिक संस्था तसेच मंदिर आणि मस्जिद असे धार्मिक केंद्र देखील आहे, त्यामुळे अशा ठिकाणी असलेले दारू दुकान बंद झालेच पाहिजे अशी मागणी आंदोलकांनी केली। या आंदोलनात महिला ठाकरे गटाच्या महिला पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी होते। हे दारू दुकान बंद न झाल्यास तीव्र स्वरूपात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे। 10 दिन पहले निवेदन दिया था कलेक्टर सर को कि साडा सर्कल एरिया पर दारू की दुकान ये जो खुली है पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पर स्कूल है इतना पुराना, 100 साल पुराना, पीछे 2 लक्कर मंदिर है, ऊपर कोहिनूर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 50 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती है, यहाँ पे पास में दरगाहें हैं, यहाँ के रहवासी कितने परेशान हो चुके हैं इस दारू की दुकान के होते। तो हमारी यही मांग है कि दारू की दुकान जल्द से जल्द बंद की जाए। इसके इन लोगों के पास है बियर का लाइसेंस, बेच वाइन भी रहे हैं, ये तो गैरकानूनी काम है ना, और यहाँ पे ट्रैफिक भी कर देते हैं, यहाँ पे जो पीने आते हैं रोड पे गाड़ी लगा कर जाते हैं, ये गैरकानूनी है, ट्रैफिक कितना करते हैं, तो इस चीज़ को लेते काफ़ी लोग परेशान हैं। और इस ये 10 दिन में, और मैं 10 दिन का टाइम देती हूँ, 10 दिन में ये दुकान बंद नहीं की हुई तो मैं शिवसेना स्टाइल में इसको दुकान को बंद करवा के रहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। जवाबदारी न्याय हक्काची।